पे सारे बच्चे आए हैं समरीन से मिलने। अभी हमें मिल रही है ईदी और भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं ये सब। अफगानी चिकन और बिरयानी बनी है जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। हमें चांद के पास कोई सा प्लेनेट दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है ईद व्लॉग और आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और ईद का व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह सुबह शुरू कर दिया है और अभी सबसे पहले हम लोग रूम सही कर रहे हैं अपना, सारी बेडशीट्स चेंज कर रहे हैं और सारा कुछ साफ सफाई तो खो गई थी कल ही रात को। और चांदर का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा और मेरी मेहंदी देखो आप लोग, ये देखो मेहंदी का कलर जो है ना मैंने फिर से जो लगाया था तो अच्छा आया माशाल्लाह से, ये देखो अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा बहुत ज्यादा। और अभी अगर चल जाए ना ये 3 दिन भी अब बस मैं खुश हूँ फिर, क्योंकि ये लास्ट 3 डेज से ऑलरेडी चल ही रहा है। तो भैया मेहंदी जो है ना वो वैसे भी पानी लगाने से हट ही जाती है और हम लोग पानी यूज कर लेते हैं, मतलब नाना करते हुए ना हाथ धोने की आदत होती है तो हो जाता है। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ कि बाकी सब क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने फर्स्ट बेडशीट बिठा दी है और ये वाली दूसरी वाली है। और मकासा को देखो कैसे भाग रहा है रूम में, देखो ये वाली बेडशीट यहाँ पे बिछी जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, चलो ईद मुबारक। और सब लोग आ चुके हैं ईद की नमाज पढ़ के, ये देखो यहाँ आ गए दादा नमाज पढ़ के। सब लोगों ने नहाने के लिए अपने कपड़े रख दिए। ये अम्मी का सूट है, आप अपना सूट तो दिखाओ, अम्मी का तो देखिया। अपना सूट भी दिखाऊंगी दिखाऊंगी, थोड़ा वेट तो करो, आप अपना तो दिखाओ दीदी। गाइस अब मैं बहुत देर बाद हो रही हूँ रेडी और मेरी आंखों से बहुत पानी निकल रहा है बहुत ज्यादा, और बहुत मुश्किल से रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे लेंसेज जो वो नहीं लग पाए थे इतनी मुश्किल से, मतलब समझ लो 30-40 बार ट्राई करने के बाद मैंने लगाया, लेकिन अभी बहुत चुभ रहा है फिर भी मैंने लगा रखा है। अब मुझे जल्दी से नया लेंस बनवाना होगा अपना, क्योंकि मैं बिना लेंस से काम नहीं चला सकती हूँ क्योंकि मेरा मेकअप फिर खराब हो जाता है। मेरा आई मेकअप हो गया है लेकिन बाकी चीजें रह रही तो वो मैं कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी घर में क्या क्या हो रहा है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या बन रहा है। यहाँ पे देग चढ़ा हुआ है, चिकन बन रहा है इसके अंदर। तो ये है मेरा आउटफिट जो कि मैंने ऊपर से तो पहन लिया लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं पूरा पहन कर आपको दिखाऊंगी। और ये है उसके नीचे का शरारा, तो अभी चलो चलते हैं चेंज करने। और ये जो सारे कर्टन्स हैं ये सारा कुछ मेरा सेम क्यों लग रहा है, मेरे कपड़े और ये सब ट्विनिंग कर रहे हैं। और अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अपना मैंने क्या क्या किया है। चलो गाइस पहले मैं आप जा रही हूँ चेंज करने और फिर मैं दिखाऊंगी आपको पूरी अपनी ईद की ड्रेस। सारे बच्चे आए हैं समरीन से मिलने और मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब सब बच्चों से मैं पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलो बच्चों बच्चों बताओ समरीन कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बच्चों से पूछा गया है। बड़ा जोर से समरीन के बहुत बड़े फैन हैं। तुम बताओ। ये बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा शर्मीले बच्चे हैं, छुप जाते हैं। बताओ बच्चों, ये बच्चा बताएगा। बच्चों बताओ कैसी लग रही है आप। बहुत गजब लगते हैं, बहुत गजब लगते हैं। बताओ बच्चों मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ। बहुत अच्छी बोल रही हो आप। बच्चों के मुंह में आवाज नहीं है गाइस, आप लोगों ने खाना नहीं खाया। ये लोग सारे बच्चे मुझे अच्छी अच्छी बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। नहीं लग रही हूँ। और अभी हमारे घर पे इतना शोर जो हो रहा है उसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं इधर, अंकल साइड में अलग और आंटी साइड में अलग आए हुए हैं और बच्चे साइड में अलग आए हुए जितने सारे बच्चे हैं। समरीन मैम, समरीन मैम, समरीन मैम, यहाँ पर से गेस्ट जो आए हुए थे वो सारे गेस्ट जा रहे हैं। छोटे छोटे गेस्ट बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे। सारे गेस्ट जा चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं, मतलब भीड़ लगी हुई है अभी भी घर में, मतलब आ रहे जा रहे, सुबह से ही लोग आ रहे जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। और अभी आंटीज आई थी कुछ, वो भी आकर चली गई। अभी और भी लोग बाहर बैठे हैं वैसे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा आपको आई मेकअप कैसा लग रहा है। मैंने ना थोड़ा लेट मेकअप किया लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपना मेकअप अच्छा किया और मैंने अपने बालों में थोड़ा ही कर्ल्स किया, बस वो भी ऐसे खुद से ही करवाया। मैं यहाँ तो पार्लर या कहीं जा नहीं सकती तो मैंने खुद ही किया यहाँ घर में ही। और यहाँ पर सब लोग हम लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं। बहुत भूख लग रही है पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सुबह सुबह ईद की नमाज जब हुई थी उसके बाद वो खाए, एक कचौरी और छोले, कचौरी छोले खाए हम लोगों ने और वो इतना टेस्टी था, इतना ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमें कुछ खाने को नहीं मिला और ये पर्दा मेरे से मैचिंग हो रहा है बिल्कुल, ये देखो। तो गाइस अभी हमें मिल रही है ईदी, देखो बड़ी अम्मी आई है हमारे पास ईदी देने के लिए। यहाँ अम्मी को भी ईदी मिल रही है, पहली बार ईदी ससुराल में, ईदी ससुराल में ईदी मिली है अम्मी को। वाओ। और हमें मेरी बारी, हाँ
जाने के बाद जो यही तो एक वो है, हम लोग को वहाँ पे इतनी ईदी नहीं मिल पाती क्योंकि मेरे रिश्तेदारी नहीं है और यहाँ पर सारे अपने लोग हैं तो सब लोग ईदी दे रहे हैं और सुबह से वैसे सब लोग ईदी ही दे रहे थे एक दूसरे को। और अब यहाँ बहुत ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों के साथ? बहुत अच्छा। अभी काजल को भी ईदी मिल गई, ये भी आपकी को भी ईदी मिल गई, खुशी हुई। सब नया लगा कि पहले यहाँ मैं फोटो क्लिक करवाने जा रही थी और इतने में हमारे साथ हो गया है प्रैंक कॉल। ये देखो लेकिन मैं प्रैंक नहीं हुई ना, ये हुई, हम दोनों प्रैंक नहीं हुए, इनके ऊपर ही उल्टा प्रैंक हो गया। बोल दिया मैं यार इसको, कब से बोली मेरी फोटो क्लिक कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर दे रहा है मेरा यार। यहाँ देखो यार, ये सबके शूज और सैंडल्स ऐसे बिछ गए हैं बिल्कुल, यहाँ पे अलग ही लग रहा है और ऊपर से एक मैंने पहन रखा है। ये देखो ये लड़की थक चुकी है फोटोज अपनी ले लेकर और ये लड़की भी थक चुकी है। इन दोनों ने चेंज भी कर लिया इतनी जल्दी, वाह। अभी तो ईद शुरू ही हुई थी लेकिन चेंज कर लिया। मैं सोच रही हूँ मैं भी जल्दी से फोटोज लेकर ना एक बार अपना चेंज कर लूंगी क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। बाद में मस्ती करेंगे तो ब्लॉग में बने रहो क्योंकि हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं आज। गाइस हमारा खाना आ चुका है और खाने में स्पेशली आज बनी है बिरयानी और क्या है, अफगानी चिकन और बिरयानी बनी है जो की बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि अम्मी ने बनाया है। चलो अब खाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, चलो खाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, मैंने खाना खा लिया था उसके बाद मैंने अपनी कुछ फोटोज ली है और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने क्योंकि मैं मतलब मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने सोचा था कि बस मैं फोटोज के लिए ही पहनूंगी, उसके बाद हम लोग उतारेंगे। जैसे कि इन लोगों ने भी चेंज कर लिया तो मैं तो भैया अब करने ही जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ भी जो करना होगा। और आज वैसे भी मुझे अपने लेंसेज जो ना वो बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं बहुत ज्यादा, और जैसे कि आपने देखा कि ईदी हमें मिल चुकी है। चलो अभी चलते हैं चेंज करने, मेरे फोन की बैटरी भी ऑफ होने वाली है तो बस अभी मैं चेंज करके आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और वो मुझे बहुत ही हैवी लग रहा था जबकि वो हैवी था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा ही। और अभी सुबह से सब लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि अभी सब लोग अपने अपने बेड पर चले गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, मैंने भी सब कुछ कर लिया तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी इंस्टा पे स्टोरीज और सब कुछ पोस्ट करूँ, तो बस वही करने के लिए जा रही हूँ। और अगर आप लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाकर फॉलो करो, आपको एडिशन में दिख रही होगी, और जल्दी से जाओ वहाँ पे मेरी अपडेट्स आपको सारी दिखेंगी, पिक्चर्स भी दिखेंगी, सब दिखेगा, आप तो जाओ जल्दी से आके फॉलो करो। और अब मैं सोच रही हूँ कि आपको कल मिलूं यार क्योंकि अब मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और आज का मेकअप मेरा बहुत ही ग्लोई हुआ था, पता नहीं कैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, आप लोग बताना मुझे। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ कल। तो गाइस आज हो गया ईद का डे टू और अभी आए सैम स्क्वाड मुझसे मिलने के लिए, इतने सारे यहाँ पर भी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे मिलेंगे लेकिन दूर दूर से आए और भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए। ये सब कौन कौन देखता है मेरी वीडियो यहाँ पे? सारे बच्चे देखते हैं और तुम लोगों को पसंद आती है? yes. तो इनके साथ फोटोज लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं अभी रेडी हो चुकी थी, मतलब पूरी रेडी नहीं हुई हूँ, हाँ समझ लो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी हूँ। और अभी आज जो है ना हमारे घर में दो दो चीजें होने वाली है, एक तो ईद डे टू है आज, एक हमारे घर में दो बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाले, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो लोग आएंगे किसका बर्थडे होने वाला है। लोग गेस करो अभी आपको क्या लगता है किसका बर्थडे होने वाला होगा, क्योंकि उनका बर्थडे ईद वाले दिन था, एक का बर्थडे ईद वाले दिन था और एक का बर्थडे 5-6 दिन पहले था, तो हम उनका बर्थडे जो है दोनों का बर्थडे साथ में मनाएंगे आज, और हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। और जिनका बर्थडे हमने उनको बताया भी नहीं ऐसे कि कुछ भी होने वाला है, उनके लिए हम सरप्राइज कर रहे हैं, हमें लगा कि कुछ करना चाहिए यार। वैसे भी हम लोग जब भी आते हैं ना गांव या कुछ भी तो हम लोग पार्टी जरूर करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, अभी वही करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या पहनने वाली हूँ। तो ये है मेरी ईद डे टू की ड्रेस जो कि पर्पल कलर की है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी मैं जा रही हूँ इसको पहनने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बड़ी फूफी है, इनसे आप लोग शायद ही मिले होंगे, पता मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनसे मिलवा देती हूँ। आप सबको ईद मुबारक बोल दीजिए। ईद मुबारक आप लोगों को। और अभी मैं इनके पास आई हूँ अपनी तारीफ करवाने के लिए, मतलब मैं इनसे दो शब्द पूछूंगी कि इनको मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है, बताइए आप सच सच दिल से बताइएगा, ये खुद बोलेंगी। बात तो मानती है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा, ये फीचर से तारीफ मार रही है ये लोग अलग से ना, काफी है मिली आज के लिए। चलिए थैंक यू सो मच और चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं तैयार होते हैं। गाइस मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, मैं आपको अपना पूरा लुक अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है क्या है। अभी हम लोगों ने खाने के लिए मंगवाया पिज्जा जो कि सब लोग खा रहे हैं अभी, तो मैं दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा सबसे पहले पेट पूजा करेंगे फिर कुछ करेंगे। वो आ गया है पिज्जा और इसमें भी कुछ है, इसमें ये भी पिज्जा और कोल्ड कॉफी के लिए नेस्कैफे। आप लोग मुझे बताओ कि आप में से किसने पेड़ा खाया, पेड़ा किसने नहीं खाया, जिसने नहीं खाया मैं उनको बोलना चाहूंगी खाओ, मस्ट ट्राई, मतलब इसको ट्राई करो, इतना टेस्टी होता है ना, मैं तो बहुत टाइम बात कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यार बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को जरूर खाना चाहिए। कलाकंद भी आया है, बहुत सारी मिठाई आई है, बहुत सारी
खांसी हुआ तारीफ बाद में बताऊंगी। जा रहा हाथ माशाल्लाह बच्चे मुझे नजर ना लग जाए इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह बोले जा रहे हैं तो आप लोग भी बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह और कमेंट में भी माशाल्लाह जरूर माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस ब्यूटी पावर समरीन में स्वागत है। प्रीन आज सूबी का मेकओवर कर रही है, मेकअप कर रही हूँ गाइस। सेकंड डे है आज इनका, तो इनका जो मेकअप मैं कर रही हूँ, बच्चा मेरा प्यारा सा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, इनका मेकअप कर रही हूँ। दिखा दिया मेरा लुक, आप लोग बताओ मुझे कि मेरा सेकंड डे का आउटफिट आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब आप लोग ही बताओगे। और वैसे मेरी मेहंदी हट गई है पूरी यार, ये देखो ये जो दूसरी बार चलाया था ना वो बस रह रहा है, बस बाकी तो पूरा हट गया क्योंकि 5-6 दिनों में हो गए यार इस मेहंदी को लगाए हुए। इतना जल्दी टाइम निकल रहा है और फिर हम लोग यहाँ से जाने भी वाले हैं बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिन बचे हमारे यहाँ पे। और अभी चलो आज जो मैंने आपको बताया कुछ होने वाला है तो वो भी होने वाला है थोड़ी देर में। इन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है अभी, तो मैं अपना छुपाऊंगी नहीं ज्यादा। मैं यहाँ पे बड़ी अम्मी के पास आई और मैंने देखा कि वो मेरी ही वीडियो देख रही है। ये देखो अपने फोन में लगाकर देख रही है मेरा चांद रात का व्लॉग। मेरे घर वाले ही मेरी वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, तो अब आप लोग भी देखो जाकर जल्दी से अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा मेरा चांद रात वाला। तो और ये लड़की यहाँ पर जो है इसका नाम है नौशीन। नौशीन ये बहुत प्यारी बच्ची है, देखो इधर, देखो इधर दिखाओ। आपको हमने फरहीन दिखाई थी जो बच्ची थी उसकी ही छोटी बहन है। अब हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे, लेकिन मुझे डर लग रहा है, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऊपर जाकर ना बच्चे ऐसे करने लगे बिल्कुल डर से कुछ है। और मुझे पता नहीं वो कौन सा, मुझे लग रहा है वीनस है शायद, लोग तो कहते वीनस है। और क्या हवा चल रही है आज, वाओ ये देखो मजा आ रहा है यार, क्या लग रहा है। मुझे टेरेस पे पहले आना चाहिए था वैसे, यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट और हवा देखो क्या चल रही है, वाओ मजा आ रहा है। और वो देखो चांद, वो रहा ये चांद है और ये इसके साथ कोई सा प्लान, ये देखो वाओ यार कितना अच्छा दिख रहा है, ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, क्रिसमस ट्री। गाइस ये देखो रेस जा रही है, ये देखो दिखाओ, ये देखो रेस जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये देखो ये जो घर है सामने इसको हमने ऐसा बना दिया बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि लाइट जा चुकी है और लाइट जाने के बाद हम ये कर रहे हैं। गाइस लाइट आ चुकी है और यहाँ जो आवाज आ रही है एसी की आवाज आ रही है बहुत तेज। अब हम नीचे जा रहे हैं पार्टी करने, अभी होने वाली केक कटिंग। अभी हम लोग लेकर आ गए हैं केक वाला केक और ये वाला केक दोनों के लिए आया है। हम लोग इस साइड करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे। चलो बर्थडे बॉय के लिए गाना चल गया। ये है गेस्ट शान की अम्मी, शान की छोटी अम्मी, शान की बहन, शान की बहन। तो ये टेबल आ गई है, इस पे हम लोग करेंगे केक कटिंग। देखो ये है सूबियापी का केक, चॉकलेट केक, मकासा निकल के आ गया। और चलो बर्थडे गर्ल बर्थडे बॉय बैठ जाए यहाँ पे, बर्थडे सॉन्ग चल गया। पहले सूबी की बर्थडे पार्टी होगी। आपको आपके बेटे का बर्थडे था आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और ईद की खुशी, बर्थडे तो ईद के दिन था उनका, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट ईद के कल होके कर रहे हैं, तो फिर भी आज भी ईद ही है। और हम लोगों ने बहुत ही छोटा सेलिब्रेशन किया, लेकिन ये छोटा सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा था, मतलब मजा आया हम लोगों को। फैमिली साथ हो तो फिर तो अच्छा लगता है। अभी जो है सारा सामान निकल रहा है खाने पीने के लिए, और जो केक था वो देखो ये केक जा रहा है क्योंकि सब लोग खाएंगे केक। तो भी आप ही कैसा लगा आपका बर्थडे था? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सरप्राइज अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा। आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे इन दोनों को? हम लोग कर रहे हैं बकरीद की अनाउंसमेंट, बकरीद का चांद निकल गया है, ये देखो। और बाहर जो सारे लोग सुन रहे हैं वो लोग बकरा खरीदने भी निकल गए। अभी एक घंटे में सूरज उगने वाला है, जल्दी जाके सवा का लुक्स ले ना बैन हो जाएगा। देखो ये जो तीन लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर लोगों को जो है ना परेशान कर रहे हैं।
डांस पार्टी हो चुकी है हमारी और बहुत बहुत मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा। अब देखो हम लोग तो भैया लेट गए आते ही, बिल्कुल डांस वांस करने के बाद कितना थक गए ना, गोल गोल घूमते घूमते घूमते, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। यार मेरा मन नहीं कर रहा है मुझे इसमें पिक्चर्स लेने का, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है कि मेरे पास ना एक ही लोकेशन है फोटो क्लिक करने के लिए, और अभी रात भी हो गई है तो मैं फोटो नहीं ले सकती हूँ। ये देखो ये वाली लोकेशन जिसपे मैंने एक फोटो ले ही लिया ऑलरेडी, मतलब एक दिन की आउटफिट की, और ये आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देख लिया, लेकिन मैं इसकी फोटो जो है ना वो मैं लूंगी घर जाने के बाद, मतलब दिल्ली जाने, तो वो तो आपको देखने को इंस्टा पे मिल ही जाएगा। यार किस बात की जल्दी है ना, मैं कहीं जा रही हूँ ना आप कहीं जा रहे हो। तो ये मेरा पिंपल जो हो गया ना, जब मैं लखनऊ गई थी तब भी यहीं पे हुआ और अभी भी यहीं पे हुआ है। मेरे साथ क्यों होता है यार, आप लोगों में से गर्ल्स बताएंगी किस किस के साथ होती है ये चीज, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो। तो अभी मैं सोचू कि बस जाऊं और जाके चेंज कर लूं, और कल शायद हम लोगों को कहीं जाना भी है घूमने, और फिर मुझे कुछ शूट भी करना, शायद देखते हैं क्या होगा कल। ये डे थ्री में और डे टू तो बहुत अच्छा गया माशाल्लाह से। आप लोग बताना अभी तक आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने अभी अपनी कोई भी पिक्चर या कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अंदर से दुख भी हो रहा है कि नहीं ले रही, तैयार हुई हूँ। लेकिन मैंने पता है अपना आई मेकअप भी किया था आज, बिल्कुल ही पर्पल कलर का, देखो बहुत ही उससे किया था कि हाँ यार फोटोज लूंगी और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार एक ही जगह पर लेकर क्या फायदा। और ये लाइट्स हम लोगों ने लगाई, मैं आपको दिखाती हूँ। कल के बाद आज मैं मिल रही हूँ आपसे, और आज है ईद का डे थ्री, और मैं अपने कुछ कपड़े ट्राई कर रही थी और वो हॉल बनाया इसमें गाइस देख, हाँ वो मैंने बना लिया है, और वो सब कुछ शूटिंग मैंने कर ली अपनी। उसके बाद अभी मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैंने क्या पहन रखा है। मैंने ये पहन रखा है, अभी मैं बस अपनी कुछ ट्रांजिशन रील जो है ना उसका पहले का शूट करूंगी, क्योंकि मैंने उसको ना पहले वाला शूट नहीं लिया और बाद का जो स्लोमो है वो ले लिया था। और पता है मुझे किसी ने स्नैपचैट पे कहा था कि आपकी सासू माँ ना आपसे बहुत प्यार करेगी, क्योंकि आपकी मेहंदी का रंग जो है ना वो बहुत ही डार्क आया है, और वो पढ़ के तो मैं इतना शर्मा गई थी। और मुझे हो गया एक पिंपल जो कि बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसी जाएगा, और यहाँ पे मुझे मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से ना मच्छर ने मेरे पिंपल पे मार दिया, मेरे ये फोरहेड पे भी बहुत सारे मच्छर ने काट लिया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद लाइट चली गई थी और फिर मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। ओ माय गॉड ये चप्पल देखना मैंने किसकी पहन रखी, लड़कों वाली चप्पल पहन रखी है यार, यहाँ पर ना मुझे किसी चीज का अंदाजा ही लग रहा है कि मैं करके आ रही हूँ। गाइज मेरा थर्ड डे का आउटफिट है गाइज, मैंने अभी ले ली अपनी कुछ पिक्चर्स जो कि मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करूंगी, और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर जाओ और जाकर फॉलो करो। आप लोगों ने मेरी रील्स और पिक्चर्स मिस कर दी होंगी फिर, अगर आपने नहीं कर रखा मुझे फॉलो तो फॉलो मी नाउ। मैं अपना ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, मैंने सोचा कि चलो यार अभी एंड कर देते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो जल्दी आएगा। ये वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यहीं पे खत्म होता है मेरी ब्लॉग, अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सब मेरी ब्लॉग्स, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करो, आपको दिख रही होगी। आप लोगों को ईद ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ईद ब्लॉग थोड़ा सा आने में लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था इसकी वजह से। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।